नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, डॉक्टर कीर्तीच्या चॅनलवर तुमचे स्वागत आहे. आज मी कक्षा 6वी सुलभ भारती मराठी यातला 4था अध्याय माहिती घेऊया. व्याख्यासाठी घेऊन आलेली आहे, या आपण याची व्याख्या बघूया. विद्यार्थी, आज मी लेसन 4 माहिती घेऊया ये व्याख्या के लिए अर्थात एक्सप्लेनेशन के लिए लेकर आई हूँ. आइए हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, शुरू करते हैं. तो इसकी शुरुआत इस तरीके से होती है कि पाउस केव्हा पड़ेल, यानी बारिश कब होगी, किती पड़ेल यानी कितनी होगी, याची देश भर चिंता असते. इस बात की चिंता सभी को होती है, देश भर में होती है. ही चिंता दूर करण्यासाठी, इसी चिंता को दूर करने के लिए ज्या संशोधकाने मान्सूनच्या अंदाजाची नवी पद्धत शोधून काढली, आणि इसी चिंता को दूर करने के लिए बारिश से संबंधित अंदाज, यानी कितना होगा बारिश, कितना नहीं होगा, इसके बारे में जो नया तरीका ढूंढ कर निकाला, पद्धत यानी तरीका, त्यांचे नाव डॉक्टर वसंत गोवारीकर. उनका नाम है डॉक्टर वसंत गोवारीकर. उन्होंने बारिश का अर्थात मानसून में जो है, मानसून का मतलब क्या, तो बारिश का मौसम, पावसाळा जिसको मराठी में बोल सकते हैं, तो उसमें कितनी बारिश होगी, कब होगी, इसके लिए नया तरीका ढूंढ कर निकाला था. ठीक है, डॉक्टर वसंत गोवारीकर का जन्म 25 मार्च 1933 रोजी पुण्यात झाला. इनका जन्म 25 मार्च 1933 में पुणे में हुआ. शाळेत असताना त्यांना नवनव्या कल्पना सुचायच्या. जब वे स्कूल में थे तब उनको नई नई इमेजिनेशन उनको समझ में आती थी, मतलब उनके दिमाग में आती थी. ठीक है, सुचाई चाहिए दिमाग में आती थी, नए नए आइडियाज उसको बोल सकते. एकदा त्यांना वाटले आपण मोटार बनवावी. एक बार उनको ऐसा लगा कि मैं क्यों ना मोटर बनाऊँ, है ना. अवघे 13 वर्षाचे असताना डॉक्टर गोवारीकर यांनी थेट अमेरिकेतील हेनरी फोर्डला पत्र लिहून आपली इच्छा कळवली. और देखिए 13 ही साल के थे, लेकिन उनकी हिम्मत है ना, कुछ करने की मन में जुनून हो जब तो हिम्मत आई जाती है. तो उन्होंने हिम्मत करके क्या किया, सीधे थेट यानी सीधे किसको लेटर लिखा, अमेरिका के हेनरी फोर्ड, उनको लेटर लिखा और उन्हें अपनी इच्छा बताई, कळवली मतलब बताई, है ना. हेनरी फोर्डला मराठी कळणार नहीं. अब उन्हें ये भी पता था कि हेनरी फोर्ड है, उनको मराठी समझ में नहीं आएगी, कळणार नहीं, उन्हें समझ में नहीं आएगी. म्हणून त्यांची त्यांनी मित्राची मदत घेऊन, इसलिए उन्होंने अपने मित्र की, दोस्त की मदत लेकर, घेऊन याने लेकर मराठीत लिहिलेल्या, याने मराठी में लिखे हुए जो लिखे हुए पत्राचे इंग्रजीत भाषांतर केले, याने उन्होंने मराठी में लिखे हुए लेटर का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, है ना, उसको मराठी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया. हेनरी फोर्ड ने डॉक्टर गोवारीकर यांच्या पत्राची दखल घेऊन उत्तरही पाठवले. अब 13 साल का लड़का और बता रहा है कि उसको मोटर बनाने में जो है इंटरेस्ट है ना, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, हेनरी फोर्ड ने भी जो है नोटिस किया कि ये छोटा सा बच्चा अगर इतनी हिम्मत कर सकता है तो कुछ भी कर सकता है. उन्होंने उस बात को नोटिस किया, उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया और उसको लेटर उत्तर ही पाठवले, लेने उसको जवाब भी भेजा, त्यासोबत काही पुस्तके ही पाठवली और उसी के साथ में उसके लिए थोड़ी किताबें भी भेज दी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड. त्यांच्या कुशाग्र बुद्धिमत्तेची आणि दृढ संकल्पाची चुणूक लहानपणीच दिसून आली. यानी उनकी जो कुशाग्र बुद्धि यानी तेज बुद्धि थी वो, और दृढ़ संकल्प यानी उनका जो डिटर्मिनेशन, पक्का किसी चीज़ का संकल्प कर लेना, उसकी जो झलक है वो बचपन में ही, लहानपणीच यानी बचपन में ही दिखाई दे गई थी. यानी 13 साल का बच्चा अगर जो है हेनरी फोर्ड को लेटर लिख रहा है अमेरिका में और बता रहा है कि मुझे ये करना है, तो हेनरी फोर्ड इतना बड़ा आदमी वो भी समझा कि नहीं, ये बच्चा ज़रूर कुछ कर सकता है और उसको प्रोत्साहन देना ही चाहिए, उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना चाहिए. इसलिए उन्होंने जवाब भेजा, साथ में कुछ किताबें भी भेजी जिससे कि उसका प्रोत्साहन और बढ़े, है ना. इसलिए और फिर देखा जाए तो जो बच्चों की कुशाग्रता होती है, जो बुद्धिमत्ता होती है, वो तो बचपन में ही हमें समझ में आ जाती है, उसकी झलक दिखी जाती है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है. तो कोल्हापूर पदवीपर्यंतचे शिक्षण झाल्यानंतर उच्च शिक्षणासाठी ते इंग्लंडला गेले. आणि कोल्हापूर में उन्होंने पदवीपर्यंत याने ग्रेज्युएशन
तक की पढ़ाई की, और वो होने के बाद यानी झाल्यानंतर उच्च शिक्षणासाठी यानी आगे की उच्च पढ़ाई के लिए वे कहाँ चले गए, इंग्लैंड चले गए. बर्मिंगहम विद्यापीठात त्यांनी रासायनिक अभियांत्रिकी विषयात संशोधन केले, और बर्मिंगहम में जो यूनिवर्सिटी है वहाँ जाकर उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग इस विषय पर रिसर्च किया, संशोधन किया यानी रिसर्च किया. पुढे इंग्लंडच्या ऊर्जा संशोधन केंद्रात संशोधक म्हणून ते रुजू झाले. अब उन्होंने वहाँ पे आगे जाकर वे इंग्लैंड में जो एनर्जी मॉडिफिकेशन सेंटर है वहाँ पर रिसर्चर बन के उन्होंने वहाँ पर बहुत सा कार्य भी किया. विक्रम साराभाई यांच्या आग्रहामुळे 1966 साली ते भारताच्या अवकाश संशोधन केंद्रात रुजू झाले. याने विक्रम साराभाई जो है उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया, आग्रह मतलब रिक्वेस्ट करना. तो 1967 में वे जो है भारत के अवकाश संशोधन केंद्र जो है वहाँ वो उन्होंने ज्वाइन किया. और भारत का अवकाश संशोधन केंद्र यानी क्या, तो इसरो जिसको बोला जाता है. घन पदार्थातील ऊर्जा, अब उन्होंने वहाँ पर जो रिसर्च किया वो उसका सब्जेक्ट था घन पदार्थातील ऊर्जा. या विषयाच्या संशोधनासाठी त्यांच्या पुढाकाराने नवा प्रकल्प सुरू करण्यात आला. यानी उन्होंने वहाँ जाकर जो है घन पदार्थ यानी जो क्यूबिक सब्सटेंस होता है उसके ऊपर उस सब्जेक्ट में रिसर्च करने के लिए इनिशिएटिव लिया, और उस प्रोजेक्ट को फिर शुरू किया गया. उन्होंने इस विषय के लिए जो है प्रोजेक्ट बनाने का कार्य किया. भारताच्या विज्ञान क्षेत्रात यानी भारत का जो भी साइंस डिपार्टमेंट है, साइंस का जो भी क्षेत्र है, त्यांनी केलेली कामगिरी फार मोठी आहे. यानी इस क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्य जो है वो बहुत बड़े हैं. अग्निबाणाच्या मोटारीकरिता घन इंधन बनवण्याचे तंत्र त्यांनी विकसित केले. अब अग्निबाण यानी क्या, तो रॉकेट की जो मोटर रहती है जो बहुत पावरफुल रहती है उसमें इतनी शक्ति होना चाहिए कि रॉकेट जो तय दूरी है वो तय वहाँ तक पहुँच सके, है ना. तो उसके जो रॉकेट है उसकी मोटर के लिए जो ईंधन लगता है यानी एनर्जी शक्ति जो लगती है उसको बनाने का जो तंत्र था वो भी इन्होंने विकसित किया था, यानी इन्होंने उसको बनाया था उस मशीन को, ठीक है. तो विद्यार्थियों मुझे पूरी उम्मीद है अब कि आपको ये लेसन खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा. आगे हम इसका स्वाध्याय भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तो अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा. मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी जरूर कीजिए. धन्यवाद. नमस्ते.